आनंदवन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पावर स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से खलबली मच गई है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुख्तार शेख ने अधिक जानकारी साझा की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि शव लगभग 15-20 दिन पुराना है। मिली जानकारी के अनुसार नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पावर स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जो लगभग 15 से 20 दिन पुराना होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुख्तार शेख ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि शव सीवेज में दिखाई दिया। जब सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की जा रही थी, उस दरमियान शव दिखाई दिया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ऐसा उन्होंने इस दौरान बताया। मैं मुख्तार शेख, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नंदनवन पुलिस स्टेशन। आमच्या हद्दीमध्ये हिवरेनगर पावर स्टेशन जो आहे, जो रॉ सीवेज आपण फिल्टर करतो, तर त्याच्यामध्ये एक इस्माची बॉडी मिळालेली आहे। कुजलेली बॉडी आहे, ती कुजलेली बॉडी 15 दिवस ते एक महिन्याची असू शकते। तर तो जिथे सगळं सीवेज असतो त्याच्यामध्ये होती, तर ते झुल्यामध्ये जेव्हा साफ करताना त्याच्यामध्ये मिळून आलेली आहे। तर आम्ही तात्पुरता आता ED दाखल करून ते आपण मेडिकलला बॉडी पाठवलेली आहे। त्यांच्या पुढे काय रिपोर्ट येईल त्याप्रमाणे आपण कारवाई करत आहोत। बॉडीची वय अंदाजे 35 ते 40 असू शकते, जेंट्सची बॉडी वाटत आहे आम्हाला। तरीसुद्धा आपण मेडिकलला जे आपण हे पाठवणार आहोत त्याच्यामुळे आपलं क्लिअर होऊन जाईल सगळं की एक्झॅक्टली काय आहे। सस्पेक्ट अजूनपर्यंत मला वाटत तरी पण मेडिकल जे आहे, मेडिकल सायन्स काय म्हणतो त्याच्याप्रमाणे आपण कारवाई करणार आहोत। बता दे की प्राथमिक अंदेशा लगाया जा रहा है की शव एक पुरुष का है जो 30 से 40 इस वय गट का है। पुलिस द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुख्तार शेख ने दी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।